नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से मुस्लिम देशों और इजराइल में दुश्मनी जारी, लेकिन समय का पहिया घूमा और दुश्मनी की बर्फ पिघली और इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच समझौता हुआ। लेकिन काफी पुरानी दुश्मनी को धीरे ही सही, लेकिन सभी मुस्लिमों ने गले लगाया। लेकिन जिसने सबसे पहले गले लगाया उस देश का नाम है यूएई। अमेरिका की मध्यस्थता के बीच इजराइल और यूएई के बीच समझौता हुआ और उसके बाद कई खाड़ी देशों के साथ इजराइल की शुरुआती दोस्ती और बातचीत शुरू। लेकिन अचानक यूएई ने दुबई एयरपोर्ट में 200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को नजरबंद कर दिया। इन लोगों को एयरपोर्ट छोड़कर दुबई शहर में जाने की इजाजत नहीं दी गई। यूएई के अधिकारियों की माने तो इजरायल के नागरिकों के पास देश में प्रवेश करने के लिए वैध वीजा नहीं। ये सभी नागरिक यूएई के कम लागत वाली फ्लाई दुबई एयरलाइन की उड़ान से सोमवार को यूएई पहुंचे थे। यूएई की सरकारी मीडिया की माने तो दुबई एयर कंपनी ने यात्रियों के वीजा का ध्यान नहीं रखा, इसी कारण दुबई एयरपोर्ट पर इन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूएई पहुंचने वाले इजरायली नागरिकों को अभी भी एंट्री वीजा की आवश्यकता, जिसे एयरलाइन को पहले ही देखना चाहिए था। यूएई के अधिकारियों की माने तो इजरायली नागरिकों को बताया गया है कि वे विशेष इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भरने के बाद यूएई में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि रविवार देर रात यूएई ने अपनी वीजा के नियमों में बदलाव किया था। हालांकि इसकी सूचना सभी एयरलाइंस, दूतावास और मीडिया को भी दी गई थी। सितंबर में दोनों देशों ने शांति समझौते के बाद नवंबर में मुक्त वीजा के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दोनों देशों के नागरिकों को 90 दिनों तक के लिए बिना वीजा के यात्रा की अनुमति थी। इसी के बाद 26 नवंबर से फ्लाई दुबई एयरलाइन ने अपनी उड़ानों को शुरू किया। ये यूएई की पहली एयरलाइन है जिसने इजराइल के लिए सीधी और नियमित फ्लाइट को शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इजरायली नागरिकों को रोका गया है और इसका क्या कारण है।